guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study that how to write application. आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि application कैसे लिखते हैं. So let's get started. तो हमें पहले बात तो application पता होनी चाहिए कि हम उसके starting कैसे करते हैं. Application की starting पहले तो होती थी to the प्रिंसिपल. अब ऐसे नहीं होती है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है. अब लिखा जाता है द प्रिंसिपल. अब टू नहीं लगता, अब सीधा द लगता है. ठीक है, सबसे पहले हमारा ये हो गया. फिर हमारा आता है हमारा स्कूल का नाम. अभी हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखना किसके बारे में, सफरिंग फ्रॉम फीवर. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यही एप्लीकेशन आती है. द प्रिंसिपल हो गया. अब हम लिखेंगे हमारे स्कूल का नाम. जैसे हम लिख देते हैं केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइन्स. ठीक है, केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइन्स. मेरठ, ये हमारा आ गया स्कूल का नाम. अब हम लिखते हैं हमारी क्या डेट. डेट में हम लिखेंगे जैसे 10. अब हमारा आता सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव. एप्लीकेशन फॉर लीव. अब हमारा जो होता है स्टार्टिंग कैसे होती है हमारे कंटेंट की, हमारी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन की, हम उसे ऐसे लिखते हैं. सबसे पहले हम, अगर आपका प्रिंसिपल मैम है तो हम यहाँ पे आएगा रिस्पेक्टेड मैम. और अगर प्रिंसिपल सर है तो आएगा रिस्पेक्टेड सर. ठीक है मैम. अब मेरी मैम है तो मैं मैम लिखूँगी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इसके आगे होता है वो हम कैसे लिखेंगे. हमने लिखा रिस्पेक्टेड मैम, आई बैक टू से दैट आई एम छवि स्टूडेंट ऑफ क्लास 7B ऑफ योर ठीक है. हमने देखा, हमने लिखा रिस्पेक्टेड मैम, क्योंकि हम प्रिंसिपल मैम के लिख रहे हैं ये एप्लीकेशन. तो हम लिखेंगे आई बैक टू से दैट, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ आई एम छवि. यहाँ पे आप अपना नाम लिखना. ठीक है, मेरा नाम छवि है तो मैंने यहाँ अपना लिखा है, आप यहाँ पे अपना लिखना. आई एम छवि स्टूडेंट ऑफ क्लास 7B ऑफ योर स्कूल. मेरा नाम छवि है और मैं इस क्लास, मैं 7B क्लास की एक स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल की. अब हम लिखेंगे इसके आगे आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड हैव बीन वेट आई एम नॉट फीलिंग मैन एंड डॉक्टर
has advised me to take bed rest for 1 week. अब देखो हमने यहाँ लिखा आई एम नॉट फीलिंग वेल कि मतलब पहले हमने लिखा आई बैक टू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं छवि हूँ आपके क्लास की, ओ सॉरी हाँ क्लास सेवेंथ की एक स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल की. हमने इतना लिखा, फिर हमने लिखना है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं फीलिंग वेल नहीं कर रही हूँ, मैं वेल नहीं हूँ. एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक बेड रेस्ट. आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं मतलब स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे फील वेल नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है बेड रेस्ट लेने की फॉर 1 week. डॉक्टर ने मुझे 1 week के लिए बेड रेस्ट लेने को बोला है. ठीक है, अब हम लिखेंगे kindly grant me leave for 1 week. ठीक है, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दो. ठीक है, kindly grant me leave for 1 week and IE with effect, इसे बोलते हैं with effect, हमने लेनी है छुट्टी 10 में से हम 7 days और जोड़ देंगे तो 17 में. ठीक है, हमने ये लिख ली, फिर आएगा हमारा थैंकिंग यू yours obediently छवि. अब देखो हमने क्या लिखा कि ये तो मैंने समझा ही दिया था कि मैं क्या आई बैक टू से दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं छवि हूँ, आप एक स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ बी की एक स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल की. आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है. सो डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है एक हफ्ते की बेड रेस्ट लेने को. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 week, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दो. आई विद इफेक्ट 10 May to 17 में, 10 मई से लेके 17 मई तक. फिर है थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली छवि. ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन थी. हमने सब देख लिया कि स्टार्टिंग द प्रिंसिपल से होती है, स्कूल का नाम आता है, यहाँ डेट आती है, सब्जेक्ट आता है, और हमारा आज के लिए बस इतना ही. आज हमने देख लिया कि हमने ये सब पढ़ा है. तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए थैंक यू, बाय.